सा रोका। प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों में का आक्रोश, कैंडल मार्च निकालकर जताया सरकार का विरोध। देर रात घर में लगी भीषण आग, मां और बेटे की दम घुटने से हुई मौत। चोरों के हौसले हुए बुलंद, गल्ला कारोबारी से लूटपाट, 14,55,000 रुपए लूट कर हुए फरार। स्टेडियम के पास धरना पर बैठे पूर्व सैनिक, 7 सूत्री मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। पुनपुन में हुए हत्या को लेकर मामला दर्ज, आरोपी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर गया से है, जहां गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ के बैनर तले 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों ने बहाली प्रक्रिया नहीं होने पर शहर में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर सरकार का विरोध जताया। कैंडल मार्च गया शहर के गांधी मैदान से राय काशीनाथ मोड़, गया समाहरणालय और जीबी रोड होते हुए गया टावर चौक पर समापन की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ के जिला अध्यक्ष प्रेम शंकर कुमार ने किया। हम लोग विगत 3-3.5 वर्षों से 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट बीटेट पास होकर 7वें चरण के प्रतीक्षा में है, और हमेशा हम लोग के बार बार दिया जाता है कि अप्रैल में आ जाएगा, मई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा। विगत 3 वर्षों से यही बात हमेशा तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। तो सर, हम लोग प्रतिभावान जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक बनने की जितना अर्हता होती है, जैसे बीएड पास, सीटेट पास, वो हम लोग संपूर्ण रूप से पास कर चुके हैं। पिछले 3-4 सालों से हम लोग ने सीटेट बीएड क्वालिफाई करके आज में हम लोग रोड पे कैंडल मार्च, कभी रोड पे बैठकर धरना प्रदर्शन, कभी लाठी चार्ज किया जा रहा है, लेकिन हर मंथ, हर टाइम टू टाइम हमें एक बस टाइम ही दिया जा रहा है कि इस महीने में आ जाना है, इस महीने में आएगा, इस महीने में पिकअप किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग पुराने कैंडिडेट हैं, अभी हम लोग का टाइम, किसी का उम्र चला जाएगा, किसी का मेरिट लिस्ट में पीछे हो जाएंगे, और इनके आश्वासन के वजह से आज हम लोग रोड पे उतर रहे हैं। पास अभ्यर्थी हैं, हम लोग की सरकार से यही मांग है कि हम लोग का जो प्राथमिक विज्ञप्ति है 7 फेज का, वो जल्दी से जल्दी सरकार विज्ञापन को जारी करे। हम लोग 3 साल से संघर्षरत हैं और हमेशा हम लोग आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण करते हैं। अभी भी एक बेटी होने के नाते देखिए, रात के समय में हम लोग अपने घर से लड़ के झगड़ के, चाहे जैसे भी बोलिए, परमिशन लेके कैंडल मार्च करने आए हैं। नीतीश कुमार सर जी को कहा जाता है कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देते हैं, तो अगर ऐसा है तो हम लोग अभी रोड पे क्यों हैं? हम लोग सारी अहर्ता को पास करते हुए भी अभी रोड पे हैं। हम नर्म निवेदन हाथ जोड़ के करते हैं कि हम लोग की पुकार को वो सुने और बेटियों की पुकार को वो जरूर सुने। खबर सहरसा से, जहां स्टेडियम के पास पूर्व सैनिकों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठ गए। पूर्व सैनिक संघ अध्यक्ष प्रवीण झा ने कहा कि सैनिकों के पेंशन वृद्धि योजना के आदेश में भेदभाव कर गई विसंगतियां हुई हैं, उसे दूर कर संशोधित आदेश के बाद ही पूर्व सैनिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। और पूर्व सैनिकों के पुनरीक्षित पेंशन वृद्धि टेबल में बड़ा अंतर किया गया है, जो गलत है। इसका दोबारा से परीक्षण कर कर्मियों को सुधारने की जरूरत है। जो हमारे और अफसरान के बीच में है, क्यों है, ये सबसे पहला मुद्दा है। एमएसटी का मुद्दा है, ओआरएफई का मुद्दा है, तो हमारे कंधे पर मेजर जनरल सतवीर सिंह ने हथियार रख करके फायर किया और अपना फायदा लूट के ले गया, और हम लोग को हाथ में कटोरा थमा दिया कि तुम घूमते रहो। तो इस तरह से हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जहां तक दुर्बलती का समान है। हम जो है 97% है इंडियन आर्मी के जवान और जेसीओ। मेरे भाई, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ये इधर पाकिस्तान और उधर चीन,
अरे भारत का जवान है जो दोनों तरफ लड़ने के लिए तैयार है। मामला मुजफ्फरपुर के कोडी प्रखंड के करमांडी के पंचायत स्थित गांव की है, जहां अचानक खेत में आग लगने से एक एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसके बाद पीड़ित किसान ने कुढ़नी सीओ को लिखित आवेदन दिया। बता दें पुलिस आग लगने की वजह से जानने में जुटी हुई है। क्या किरमा पंचायत का मामला है, किरमा पंचायत में कल शायद दोपहर 2 बजे करीब में अचानक आग लगी और लोग भी मेरे मतलब कॉल के द्वारा हमको बताया गया था, सूचना मिली थी ग्रामीण के द्वारा। और आज चूँकि 2 तारीख है, स्थल पर हम लोग आए हैं, घटना का तो सही पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना लोग बता रहे हैं कि ग्रामीण लोग काफ़ी सहयोग इस कार्य में किए थे, जिसके कारण आग पे काबू पाया गया। और आप लोग देख भी सकते हैं इसके बगल में बहुत सारा खेत भी है, और थोड़ा सा अगर उसमें अनदेखी लोग करते हैं, अगर समय पर नहीं आते हैं, तो ये केरमा पंचायत के अधिकतर इसमें कईयों एकड़ लोगों का गेहूँ माने नष्ट हो जाता है। इसमें पता नहीं चला कैसे हुआ, एकाएक लग गया। कब आग लगा है? कल 1:30 बजे, 2 बजे के करीब में, 1:30 बजे करीब में आग लगी। हाँ, क्या कारण लग सकता है जाने, हम लोग तो घर में थे ना, हम लोग घर के अंदर थे, पता नहीं चल पाया। बाढ़ पंडारक थाना क्षेत्र के गोपीगीता गांव में देर रात घर के बरामदे में अचानक आग लग गई। घर में सोई मां और 2 बेटे आग के धुआं से बेहोश हो गए। वहीं जब पड़ोस के लोगों को पता चला तो आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक बेटे की माँ और मौत हो गई, वहीं दूसरे बेटे को PMCH रेफर कर दिया गया। रूम में बंद था क्या? तीन सो रहा था। तो कौन आग लगाया था? जिस बना से चंदन वही लगाया था, राजा राम का बेटा है चंदन कुमार। गोतिया है क्या? हाँ चचेरा गोतिया, उसे दुश्मनी रहता है। धुआं से सब को मतलब धुआं जितना धुआं हो गया कि ओकला के मर गया। कौन कौन मरा है? दो गो बेटा था, एगो माय है, तो एगो बेटा हॉस्पिटल में वहाँ पटना रेफर हो गया। हाँ, ये दो गो माय, एगो माय है, एगो बेटा मर गया। मर गया, कहाँ की घटना है? ये गोपकीता का। गोपकीता का कौन थाना? पंडारक थाना। तो ये जानकारी कैसे लगा? ये जानकारी हमको करीब 11:30-12 बजे बड़ा वो फ़ोन किए। हाँ, तो वो गश्ती वाला गाड़ी को बोले कि बुला के जाओ। बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोला रोड दाल मंडी के वार्ड नंबर 11 सलीमपुर में गल्ला कारोबारी इंद्रजीत कुमार के प्रतिष्ठान में घुसकर 2 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार दिखाकर 14,55,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। गोला लेकर बाहर निकल रहे थे, गेट पर ही पहुंचे कि 2 आदमी आया, बोला भैया चना है क्या? हम कहे हाँ है। बोला चलिए दिखाने लगे अंदर। हाँ। इतने में वो हमको सामान भिरा दिया। हाँ। बैग को हम यही स्टॉल पर रख के उसको सैंपल दिखाने गए, उधर भिराया एक आदमी, इधर बैग लिया, उधर हमको सटाया। हाँ। उसके बाद फिर हम बकरा गया और दोनों आदमी निकल के निकल गया। तो क्या था बैग में? पैसा था, बैंक ले जा रहे थे पैसा। कितना पैसा था? 14,55,000। खबर मसौड़ी से है, जहां पुनपुन में हुए एक के बाद एक 2 हत्या मामले में पुनपुन थाने में 3 मामले दर्ज किए गए, जिसमें एक मामला बच्चे की हत्या का दर्ज किया गया तो दूसरा मामला हत्या करने वाले युवक के तरफ से पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं तीसरा मामला पुलिस पर हुए पथराव को लेकर पुलिस ने लगभग 400 लोगों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज किया, जिसमें से वीडियो के आधार पर कई लोगों की पहचान की जा रही है और पहचान होने पर उन पर कार्यवाही भी की जाएगी। सुबह लगभग 8 बजे थाने को सूचना मिली कि एक 12 साल के बच्चे को का हत्या कर दिया गया है गला काटकर, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी भी हो गई है। वहाँ पर जाकर हमने जब स्थानीय लोगों से पता किया और थाना वहाँ पर मौके पर लोगों से बात किया, तो ये पता लगा कि एक व्यक्ति वहाँ से भागकर, खेत से भागकर लगभग 200 मीटर दूर एक हाई एक्सटेंशन जो पोल है, टावर जो होते हैं, उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो संदेहपूर्वक हमें यही चीज़ जो सामने आई जो बातचीत से, कि वही व्यक्ति
थोड़ा मानसिक रूप से विचलित थे और पुल पर चढ़ के वो चीज बाकी बोल भी रहे थे कि हम नहीं लड़के को मारे। खबर भागलपुर से है, जहां पीरपैंती विधानसभा के बीजेपी विधायक ललन कुमार पासवान ने पिछले दिनों सत्र के दौरान ओवरलोड ट्रैक्टर पर ग्रामीण सड़क होते हुए गुजरते हुए विधानसभा में सवाल खड़े किए थे। इसको लेकर ट्रैक्टर मालिकों ने उनके घर पर जाकर उनके घर वालों को गाली गलौज और धमकाया, जिसकी लिखित शिकायत इसीपुर थाना और मेहरबा थाना में की गई थी। वहीं मामले में विधायक खनन माफिया पर जमकर बरसे और कई गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना में जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई होगी। राकेश सिंह राठौर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा संयोजक हैं, हमारे छोटे भाई के तरह हैं, उनके घर पर ये लोग पहले गए, वहाँ नहीं मिले तो हमारे आवास पर यहाँ आए, यहाँ हमारे केयरटेकर ने बताया यहाँ कोई नहीं, तब हमारे भाई के आवास आलोक मैंने वहाँ झारखंड गए और वहाँ जाकर के ये लोग सीधा घर में घुस गए और निकालो मार देंगे काट देंगे, उसको गाली दिया हमको गाली दिया थ्रेटनिंग दिया। चुन्नू सिंह मैंने उसकी लाइव करता रहा, फिर वो दुकान में जाके मीटिंग किया, सारा वीडियो फुटेज है, सब पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया है और वो वहीं से रास्ते से ही प्लानिंग करते हैं। आप तो अभी मेरे पास आए हैं इंटरव्यू करने के लिए, वो रास्ते से लाइव करते हुए आए क्या? नहीं करते हैं, नहीं लाइव करके लो एक एक लोग जुटिए 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 एक एक लोगों को जुटाया उसने, एंटी सोशल लाइव प्रूफ है पुलिस के पास। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और हत्यारों की गिरफ्तारी के नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लिए हुए मसौड़ी की सड़कों पर उतरकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रामानुज रविदास के हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग की। बता दें, रामानुज रविदास की हत्या आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन आज तक इन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से बसपा कार्यकर्ता आक्रोशित होकर रैली निकाली। रविदास ग्राम सुकठिया दशहरा के दिन 5 अक्टूबर के रात में उनकी हत्या हुई, लेकिन पुलिस अपराधी गठजोड़ का परिणाम है कि अपराधी को अभी तक प्रशासन गिरफ्तार करने में विफल रहा। इसी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी यह धरना और विरोध प्रदर्शन कर रही है। कहां तक जाएगी ये? यहां से अनुमंडल कार्यालय तक हम लोग को जाना है। किनको सौंपेंगे ज्ञापन? अनुमंडल कार्यालय बंद है, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी के हम लोग आवाज दिए हैं, उनके प्रतिनिधि को आएंगे ही। कहां से ज्ञापन सौंपना? रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबर की ओर। रामनवमी जुलूस के दौरान बिहार शरीफ में हुई हिंसक वारदात के बाद जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरतते हुए 130 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 15 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। बिहार शरीफ में कैंप कर रहे पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि ने बताया कि कल से इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी असामाजिक तत्व हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
देखिए इसमें जैसा मैंने बताया कि स्थिति शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है, पिछले 24 घंटे में किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। एहतियातन अभी 144 धारा लगाई गई है ताकि अनावश्यक लोग भीड़ नहीं लगाएं, और साथ में जो भी सामान्य गतिविधि है वो अभी धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ किया जा रहा है। तो जो चीज़ें इंटरनेट भी जो बंद किया गया है, एहतियातन लगाया गया है, क्योंकि कई जगहों पर अफवाह की खबरें आ रही थी, तो उसको देखते हुए प्रशासन के द्वारा यह कदम उठाया गया। लेकिन यहाँ के आम लोग काफ़ी भयभीत दिख रहे हैं। नहीं, हम लोग भी आम लोग के साथ लगातार संवाद में है और लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंस है और उन्होंने प्रशासन के प्रति पूरा विश्वास जताया है। खबर गया से है, जहां महावीर जयंती के मौके पर दिगंबर जैन समाज की ओर से गया शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस दौरान शोभा यात्रा में जैन समुदाय के दर्जनों श्रद्धालु शामिल होकर ढोल नगाड़ों पर झूमते और थिरकते हुए नजर आए। बता दें ये शोभा यात्रा जैन मंदिर रामना रोड से गया शहर तक निकाली गई। भगवान महावीर का जन्म दिवस है। भगवान महावीर समूचे विश्व को शांति का संदेश देने वाले हैं और आज उन्हीं के संदेश के जरूरत पूरे विश्व को है। आज हमारा भव्य जुलूस निकल रहा है और मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन का और भंडारा का आज आयोजन होगा। हम लोग सुबह में मंदिर में भगवान का अभिषेक पाठ पूजा किए, उसके उपरांत जुलूस निकला है और शोभा यात्रा में हम लोग समाज महावीर जयंती का पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाल करके महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं। धर्म प्रभावना के लिए शोभा यात्रा निकाली गई है और दोपहर में यहाँ पर भंडारा का आयोजन है चौक पर, पूरे समाज का भोजन की व्यवस्था की गई है। आज 2580 अशिमा महावीर जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान महावीर का जन्म उत्सव है और पूरे भारतवर्ष में भगवान महावीर का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। जैन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी हैं और अन्यत्र जितने भी अहिंसा के पुजारी हैं, तो सभी लोग भगवान महावीर का जन्म उत्सव मनाते हैं। भारत सरकार की तरफ से आज के दिन पूरे भारतवर्ष में मांस निषेध है और किसी भी तरह का पशु हत्या आज के दिन बंद रहता है, और भारत सरकार की तरफ से आज के दिन गस्टेड हॉलीडे पूरे भारत में रखा जाता है। भगवान महावीर का जन्म दिवस है। भगवान महावीर के समूचे विश्व को शांति का संदेश देने वाले हैं और आज उन्हीं के संदेश के जरूरत पूरे विश्व को है। खबर वैशाली जिला के सहदेई ओपी थाना क्षेत्र के चकजमाल पंचायत के शेखोपुर सरैना डाव चंवर की है, जहां की 50 एकड़ गेहूं की खेती में लग गई भीषण आग और आग लगने से किसानों की सारी फसल जलकर राख हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। खबर सुपौल से है, जहां जिला के राघोपुर थाना सीमा क्षेत्र के NH-57 भक्ता टोला से जहां सिमराही की ओर से जा रही तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे बाइक सवार का मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना पाकर आनंद फानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये लोग? सुखासन से आ रहा है। अच्छा, और जा रहा है मधुबनी। मधुबनी? हाँ। अच्छा, लड़का जो डेट किया है उसका क्या नाम है? उसका उम्र कितना होगा? उम्र 38। 38 साल। उसका पिताजी का क्या नाम है? सोना। अच्छा, किस काम से मधुबनी सुखासन गया था? बांध के यहाँ से। बांध के यहाँ से अपने घर आ रहे थे। अच्छा, एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? जगह क्या नाम है? किसका एक्सीडेंट हुआ? शर्मा। वो कौन लगता है आपका? हम लोग को भाई लगेगा। भाई लगेगा। अच्छा, भुवन शर्मा का पिताजी का क्या नाम है? सोने शर्मा। अच्छा, भुवन शर्मा कहाँ जा रहा था और कहाँ से कहाँ आ रहा वो था? वो बहन के यहाँ कल गया था, आज वापस अपना गांव घर जा रहा था। क्या बजे की घटना है? 9 बजे। क्या चीज़ से हुआ था घटना? वो ट्रक से हुआ है। ट्रक पकड़ाई है? ट्रक भीमपुर पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है? पकड़ा हुआ बोला ऐसे पकड़ा हुआ। मृत्यु स्पॉट पे हो गया? स्पॉट हो गया। कल गए बुद्धा लगे ननद लग गए सुखासन, ओत से आबे रे भोर में 9 बजे। क्या चीज से एक्सीडेंट हुआ?
ट्रक से। ट्रक से कौन सी जगह पे हुआ है? यहाँ प्रशासन आई थी, यहाँ पे पुलिस प्रशासन आई थी। क्या नाम है आपका? सोना सर। घर? अच्छा, ये घटना जो अभी हुई है, ये कौन है आपका लड़का? बेटा है। उम्र कितना होगा इसका? 38 साल। कैसे हुआ है घटना? कहाँ से आ रहा था ये? जा कहाँ रहा था? मधुबनी। इसी क्रम में ट्रक से हुआ है? ट्रक से हुआ है। हाँ, प्रशासन लोग आए थे। पीछे से ठोका है कि आगे से ठोका है? पीछे से। पीछे से ठोक दिया है। बापू माता जात रहो। इसमें घटना स्थल पे ही मौत हो गई है। हाँ। क्या मांग करते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से आप लोग? सरकार से मांग। बिहार के कई जिलों में हुई हिंसा को लेकर विधानसभा के अंदर हंगामा देखने को मिला, जहां नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि डर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक नहीं आए। ये दर्शाता है कि किस तरह बिहार सरकार डर गई है। अगर जो दंगा हम भड़काते हैं तो सत्ता में बैठने का आपका क्या नैतिक अधिकार है? 72 घंटा से ऊपर हो गया, क्यों नहीं सच को उजागर किए? आप तुष्टीकरण की राजनीति में बांका में मदरसा में बम विस्फोट होता है, मदरसा का छत उड़ जाता है और उसको कहते हैं पटाखा था। भागलपुर में पटाखा है। वोट की राजनीति, कुछ तुष्टीकरण की राजनीति में और कुर्सी के लिए क्या बोलेंगे ये लोग? मसौढ़ी अनुमंडलीय अस्पताल में पटना और मुजफ्फरपुर के मेडिकल टीम के द्वारा कैंसर की ओरल जांच की गई और मेडिकल टीम का नेतृत्व डॉक्टर स्वीटी ने किया, जहां उन्होंने कई महिलाओं की ओरल जांच की लेकिन एक भी महिलाओं में कैंसर का लक्षण नहीं दिखाई दिया। वहीं कैंसर की ओरल जांच करते हुए डॉक्टर स्वीटी ने कहा कि वर्तमान समय में कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए जाँच करना जरूरी हो जाता है। कैंसर का जांच कर रहे हैं हम लोग, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर से आए हैं और यहाँ कैंसर का स्क्रीनिंग किया जा रहा है, कैंप लगाए हैं, कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। इसमें ओरल, ब्रेस्ट और सर्विक्स के कैंसर का जांच हम लोग कर रहे हैं। ओरल आजकल लोग तंबाकू बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिसके कारण मुँह में कैंसर सस्पेक्टेड बहुत लोग मिलता है। तंबाकू खाने से मुँह में घाव हो जाता है, जो बाद में स्टार्टिंग में लोगों को पता नहीं चलता, उनको लगता है कि बस ऐसे ही तंबाकू खा रहे हैं तो वहाँ घाव हो गया, छिल गया, लेकिन वो सस्पेक्टेड हो सकते हैं। उनमें ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया टाइप लीजन आते हैं जो कि उनको स्टार्टिंग में नहीं पता होता। उनको थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज जाते समय जब जाता है, जब कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब पता चलता है। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले मसौढ़ी अनुमंडल कार्यालय के परिसर में किसानों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां इनकी प्रमुख मांगों में मसौढ़ी और पुनपुन में कृषि भूमि नष्ट करने वाली अनुपयोगी पुनपुन शाख नहर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए, पुनपुन नदी को तिसखोरा में और दरदा नदी को बेरा में बांधकर आहर पद्धति से सिंचाई का प्रबंध किए गए और प्रखंड कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए इत्यादि इसमें शामिल है। वहीं गया जिले के परया प्रखंड क्षेत्र के युवाओं की टोली ने एक मिसाल पेश की है, जहां रामनवमी जुलूस के समापन पर समिति के अध्यक्ष ने मुस्लिम पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया। साथ ही थाना परिसर में थाना अध्यक्ष फहीम आजाद खान को समिति के द्वारा शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस के लिए सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि बीते साल परया में रामनवमी जुलूस नहीं निकाला जा सका था और इस साल जुलूस को लेकर पूरे बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तैयारी की गई थी, जिसमें युवक रोशन कुमार की अध्यक्षता में चार पहिया रैली निकाली गई। वहीं बाद में घोड़ा गाड़ी, गाजा बाजा के साथ बनारस से आए कलाकारों को लेकर झांकी के साथ जुलूस निकाला गया। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें किसान विरोधी नीतियां बना करके हमारे खेतों को लूट रही है, लगातार लूट जारी है। जैसा कि आपने देखा कि 3 कृषि कानूनों को ला करके देश के किसानों की जमीन लूटने की कोशिश की गई, हम किसानों ने विरोध करके सरकार को पीछे हटने के लिए बाध किया, लेकिन सरकार बाज नहीं आ रही है। एक अनुपयोगी नहर परियोजना के नाम पर मसौढ़ी और पुनपुन के इलाकों में
भारी पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, औने पौने भाव में लूटा जा रहा है। नहीं, बता दें कि खबर मसौढ़ी से है, जहां जमीन अधिग्रहण को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा का एक दिवसीय धरना है। वहीं उन्होंने जमीनी अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की है। किसानों का धरना दिया गया है, खबर मसौढ़ी से है। अखिल भारतीय किसान सभा एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई है। गया जिले के परैया प्रखंड क्षेत्र के युवाओं की टोली ने एक मिसाल पेश की है, जहां रामनवमी जुलूस के समापन पर समिति के अध्यक्ष ने मुस्लिम पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया। साथ ही थाना परिसर में थाना अध्यक्ष फहीम आजाद खान को समिति के द्वारा शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस के लिए सम्मानित किया गया। बताया जा रहा है कि बीते साल परैया में रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जा सका था और इस साल जुलूस को लेकर पूरे बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तैयारी की गई थी, जिसमें युवक रोशन कुमार की अध्यक्षता में चार पहिया रैली निकाली गई। वहीं बाद में घोड़ा गाड़ी गाजा बाजा के साथ बनारस से आए कलाकारों को लेकर झांकी के साथ जुलूस निकाला गया। रामनवमी पूजा समिति के अध्यक्ष कहलाते श्री राम भगवान का भव्य शोभा यात्रा जो हमने पूरे परिया में निकाला, उसके लिए थाना अध्यक्ष महोदय या उनकी पूरी टीम हम लोग का बहुत अच्छा सहयोग दिए, इनके लिए उनको धन्यवाद के पात्र थे। इसलिए आज हमारी पूरा टीम मिलकर उनको सम्मानित किए अंग वस्त्र और माला देकर। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर।
पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है। दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक। जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज। प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या